हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एके एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, राजस्थान में ऐसी जगहों की कमी नहीं है जो अतीत में कई डरावने किस्से और भूतों की कहानियां समेटे हुए हैं। आइए जानते हैं राजस्थान के सबसे डरावनी वह भूतिया जगहों के बारे में, जहां जाने पर पर्यटकों की रूह कांप उठती है और रात को तो यहां पर कोई भूलकर भी नहीं जाता। हालांकि विज्ञान इन जगहों पर भूत होने की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, 6 नंबर पर आता है ब्रज राज भवन कोटा। कोटा में स्थित यह भवन 178 साल पुराना है। ये देखने में जितना आकर्षक है उतना ही डरावना भी है। कहते हैं यहाँ एक अंग्रेज अफसर की आत्मा भटकती है। बताया जाता है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। इसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। बाद में 1980 में इसे राष्ट्रीय धरोहर में बदल दिया गया। कहते हैं कि मेजर बर्टन इतने अनुशासित थे कि आज भी उनका भूत यहाँ ड्यूटी करते समय यदि कोई सोता हुआ दिखता है तो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। दोस्तों, 5 नंबर पर आती है चांद बावड़ी बांदीकुई दोसा। दोसा जिले के बांदीकुई में आभा नेरी गाँव में चांद बावड़ी एक भूतिया जगह है। कहा जाता है कि चांद बावड़ी को एक ही रात में भूतों द्वारा बनाया गया था, लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये जगह इतनी भव्य और विशाल है कि इसे बनाने में कई साल लग जाएंगे। चांद बावड़ी में 3500 से अधिक सीढ़ियाँ हैं जिनसे नीचे जाने पर बेहद डरावना महसूस होता है। यह आने वाले कई पर्यटकों के नीचे जाने पर डरावना महसूस किया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक भूत है जो आपको सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं देता है। दोस्तों, 4 नंबर पर आता है नाहरगढ़ किला जयपुर। जयपुर के महाराजा स्वयं मानसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया था। नाहरगढ़ किला जयपुर में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। यह पीले रंग का किला गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत आकर्षक दिखाई देता है। नाहरगढ़ किले का नाम भी राजस्थान की भूतिया जगहों में आता है। इस किले के पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीकों से मरा हुआ पाया गया था। उनकी मौत के बाद इस किले को भूतिया कहा जाने लगा है। दोस्तों, 3रे नंबर पर आता है राणा कुंभा महल या चित्तौड़गढ़ का किला। 15वीं शताब्दी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक किला बना जो वर्तमान में राणा कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। राजा महाराणा कुंभा का शाही जीवन इसी किले में बीता था। राणा कुंभा महल को राजस्थान की डरावनी जगहों में से इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि कई पर्यटक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि उन्हें इस किले में भूतों का एहसास हुआ है। दिल्ली के सुल्तान ने जब इस महल पर हमला किया तो यहाँ की महारानी पद्मिनी जी ने 700 महिलाओं के साथ जौहर मतलब आत्मदाह कर लिया था। दोस्तों, 2रे नंबर पर आता है भानगढ़ किला अलवर। जयपुर से 85 किलोमीटर की दूरी पर अलवर में यह किला स्थित है। इस किले को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। भूत प्रेतों पर शोध करने वाले कई शोधकर्ताओं ने भानगढ़ के किले में नकारात्मक शक्तियों के होने का दावा किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने इस किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाने पर रोक लगा रखी है। कहा जाता है कि रात में भानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। किले में चिल्लाने रोने की आवाज़ और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है। दोस्तों, इस किले पर पूरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर इस किले पर बनी हुई पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, 1 नंबर पर आता है कुलधरा गांव जैसलमेर। जैसलमेर जिले का गांव कुलधरा करीब 170 साल से वीरान पड़ा है। कुलधरा में कोई भी इंसान अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। बताया जाता है कि यहाँ के लोगों ने एक पापी दीवान से अपनी बेटी को बचाने के लिए इस जगह को रातों रात खाली कर दिया था। दिल्ली के पैरानॉर्मल एजेंसी द्वारा कुलधरा गांव में डिटेक्टरों और भूत बॉक्स में यहाँ के मृत लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी और उन्हें अपना नाम भी बताया था। यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ महिलाओं के चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई देती है। कुलधरा गांव पर पूरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।